जय हिंद। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न मोड 6 काउंटर डिजाइन यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। वी विल आल्सो लर्न इज दिस काउंटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। मोड 6 काउंटर के केस में जो काउंटर की डिफरेंट आउटपुट्स मिलेंगी वो 6 मिलेंगी, डेट इज फ्रॉम 0 to 5। मोड काउंटर इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा। देयर आर टोटल 6 स्टेट्स फ्रॉम 0 to 5। हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप वी हैव टू यूज। अब क्लास ये जो मैक्सिमम 5 स्टेट है इसको मिनिमम बाइनरी में 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट इज 101। तो सिंपली वी विल यूज 3 जेके फ्लिप फ्लॉप। देर इज अनदर वे इन विच यू कैन फाइंड आउट हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट मोड 6 काउंटर। इन द केस ऑफ काउंटर डिजाइन दिस इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाई। कैपिटल एन शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 to the power n। हेयर एन इज द आउटपुट ऑफ काउंटर, दिस इज ए मोड 6 काउंटर, तो जो आउटपुट्स होंगी वो होंगी 6। शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 to the power n। 2 to the power n इज द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट ऑफ द काउंटर। n इज द फ्लिप फ्लॉप। अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो सिंपली वी विल यूज 3 जेके फ्लिप फ्लॉप। अब क्लास ये जो 0 से 5 स्टेट्स हैं इनको हम 3 बिट बाइनरी से लिखेंगे, 0 0 0 0 0 1। तो दिस इज ए स्टेट डायग्राम। ये जो एक्चुअल में स्टेट डायग्राम है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 6 स्टेट्स। फॉर एग्जांपल दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट। फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे उस टाइम पे जो नई आउटपुट मिलेगी दिस इज ए नेक्स्ट स्टेट। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस एज ए नेक्स्ट स्टेट। इसी तरह से प्रोसेस आगे रिपीट होगा। अब यहां पर प्रेजेंट स्टेट है 101। फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 0 0 0। 101 स्टेट के आगे काउंटर की आउटपुट्स रिपीट होंगी। नाउ आई विल कंस्ट्रक्ट स्टेट डायग्राम विच इज कंसिस्टिंग ऑफ प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट रिक्वायर एक्जिटेशन। अब क्लास द स्टेट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 बाइनरी बिट। तो सिंपली बी विल यूज 3 फ्लिप फ्लॉप। Q3, Q2 एंड Q1 आर द आउटपुट ऑफ 3 फ्लिप फ्लॉप। दिस इज ए Q3, Q2, Q1। फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस एज ए नेक्स्ट स्टेट। अब जो आउटपुट होगी वो होगी Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस। विद द हेल्प ऑफ स्टेट डायग्राम यू हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट। जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे दिस इज ए नेक्स्ट स्टेट, डेट इज दिस वन। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस एज ए नेक्स्ट स्टेट। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस एज ए नेक्स्ट स्टेट। अब क्लास इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट 101। फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस एज ए नेक्स्ट स्टेट। अब आगे प्रोसेस रिपीट होगा। नाउ आई विल राइट प्रेजेंट इनपुट्स वैल्यू। हेयर आई एम यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो सिंपली आई विल यूज एग्जिटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। दिस इज एग्जिटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है नेक्स्ट स्टेट मुझे 0 चाहिए तो उस केस में जेके में प्रेजेंट इनपुट डोंट केयर 1 अप्लाई करेंगे। इसी तरह से Q3 इज द आउटपुट ऑफ J3 एंड K3 फ्लिप फ्लॉप। प्रेजेंट स्टेट 0 है नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए तो उस केस में जेके में प्रेजेंट इनपुट 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0 तो सिंपली 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1 तो उस केस में जेके में प्रेजेंट इनपुट्स डोंट केयर 0 अप्लाई करेंगे। Q2 इज द आउटपुट ऑफ J2 एंड K2 फ्लिप फ्लॉप। प्रेजेंट स्टेट 0 है नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए तो उस केस में J2 K2 में प्रेजेंट इनपुट्स 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1 तो सिंपली जेके में 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1 तो जेके में प्रेजेंट इनपुट्स डोंट केयर 0 अप्लाई करेंगे। इसी तरह से Q1 इज द आउटपुट ऑफ दिस वन। प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1 तो उस केस में J1 K1 में प्रेजेंट इनपुट 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए तो जेके में डोंट केयर 1 अप्लाई करेंगे। नाउ आई विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर J3 एंड K3। फॉर प्रेजेंट स्टेट 3 आई एम गेटिंग आउटपुट 1। इसी तरह से फॉर प्रेजेंट स्टेट 4 एंड 5
आई एम गेटिंग आउटपुट डोंट केयर। अब क्लास, 3-बिट बाइनरी से हम टोटल 0 से लेके 7 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब यहां पर जो प्रेजेंट स्टेट्स दी हैं वो 0 से 5 दी हैं। बेसिकली वी हैव टू इंप्लीमेंट मोड 6 काउंटर। अब जो 6 और 7 प्रेजेंट स्टेट है, दीज आर द इनवैलिड प्रेजेंट स्टेट। इस प्रेजेंट स्टेट्स के लिए जो हमें प्रेजेंट इनपुट्स की वैल्यू मिलेंगी वो हमें डोंट केयर लेनी है, डेट इज डोंट केयर। तो सिंपली इन वैलिड प्रेजेंट स्टेट 6 और 7 के लिए जो हम आउटपुट लेंगे वो हम डोंट केयर लेंगे। अब हम मिनिमाइजेशन करेंगे, 1 इस डोंट केयर के साथ मिलके पेयर बनाएगा, पेयर के लिए आंसर लिखेंगे, 0 से 1 एक बिट का चेंज, इसको नहीं लिखेंगे, ये 1-1 कॉन्स्टेंट है, डेट इज J3 इज इक्वल टू Q2 Q1। अब क्लास, K3 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। इन द केस ऑफ K3 आई एम गेटिंग आउटपुट 1 फॉर 5 प्रेजेंट स्टेट, डेट इज दिस वन। इसी तरह से फॉर प्रेजेंट स्टेट 0, 1, 2 and 3 आई एम गेटिंग आउटपुट एज ए डोंट केयर, 0, 1, 2, 3। अब क्लास, यहां पर जो 6 और 7 प्रेजेंट स्टेट होंगी, दोज आर द इनवैलिड प्रेजेंट स्टेट, उसके लिए जो आउटपुट मिलेगी, उसको एज ए डोंट केयर लेना होता है। 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाएंगे, ये इसके साथ क्वाड बनाएगा, क्वाड के लिए आंसर लिखेंगे, इस क्वाड के लिए 1-1 कॉन्स्टेंट है, डेट इज K3 इज इक्वल टू, इस 1 को लिखेंगे Q1। एक्चुअल में दिस इज Q2 Q1 एंड दिस इज Q3। इसी तरह से J2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। इन द केस ऑफ J2 फॉर प्रेजेंट स्टेट 1 आई एम गेटिंग आउटपुट 1। इसी तरह से फॉर प्रेजेंट स्टेट 2, 3 आई एम गेटिंग आउटपुट एज ए डोंट केयर। अब जो इनवैलिड प्रेजेंट स्टेट होगी वो कौन सी होगी, 6 and 7, उसके लिए जो आउटपुट मिलेगी वो होगी डोंट केयर। 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप पेयर बनेगा, पेयर के लिए आंसर लिखेंगे, इस पेयर के लिए 0 कॉन्स्टेंट है, डेट इज Q3 बार। इसी तरह से इस पेयर के लिए 1-1 कॉन्स्टेंट है, डेट इज Q1। तो दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर J2। नाउ आई विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर K2। इन द केस ऑफ K2 फॉर प्रेजेंट स्टेट 3 आई एम गेटिंग आउटपुट एज ए 1। इसी तरह से फॉर प्रेजेंट स्टेट 0, 1, 4 and 5, 0, 1 and 4 and 5 आई एम गेटिंग आउटपुट एज ए डोंट केयर। और जो इनवैलिड प्रेजेंट स्टेट होगी वो कौन सी होगी, 6, 7, उसके लिए आउटपुट क्या लेंगे, डोंट केयर। अगेन क्लास, 1 के लिए लार्जर पॉसिबल ग्रुप बनाएंगे, ये सिंपली क्वाड बनाएगा, क्वाड के लिए आंसर लिखेंगे, इस क्वाड के लिए ये 1 कॉन्स्टेंट है, डेट इज Q1। तो K2 इज इक्वल टू Q1। इसी तरह से प्रेजेंट इनपुट J1 और K1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब J1 के केस में कहीं भी आउटपुट 0 नहीं मिल रहा है, तो सिंपली के मैप में लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑक्टल बनेगा। ऑक्टल का आंसर कैसे लिखेंगे, J1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से के में कहीं भी आउटपुट में लॉजिक 0 नहीं मिल रहा है, तो ऑक्टल बनेगा, K1 इज इक्वल टू 1। दीज आर द लॉजिकल एक्सप्रेशन विच वी कैलकुलेटेड। तो सिंपली वी हैव टू यूज 3 JK फ्लिप फ्लॉप, J1 K1 J2 K2 J3 K3। ऑलरेडी मैं कनेक्शन कंप्लीट कर चुका हूं। J1 में लगातार 1 अप्लाई करना है, K1 में लगातार 1 अप्लाई करना है, J2 इज इक्वल टू दिस 1। तो सिंपली दिस इज ए Q3 बार, दिस इज Q1 एंड ऑपरेशन करेंगे, जो आउटपुट मिलेगी उसको J2 में अप्लाई करना है। एक्चुअल में इस एंड गेट की जो इनपुट है वो यहां से Q3 बार से यहां अप्लाई की होगी, इसी तरह से Q1, तो ये जो Q1 है यहां पर अप्लाई किया होगा। अगेन K2 इज इक्वल टू Q1। इसी तरह से J3 इज इक्वल टू Q2 एंड Q1, तो दिस इज ए Q2, Q2 की आउटपुट यहां पर अप्लाई की होगी, एंड दिस इज ए Q1, Q1 यहां से लिया होगा, एंड गेट में अप्लाई करेंगे इसको, फिर J3 में अप्लाई करेंगे, एंड K3 इज इक्वल टू Q1। अब दिस इज ए सिंक्रोनस काउंटर, एट ए सेम टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई करेंगे। नाउ आई विल एक्सप्लेन द अनदर कंडीशन, सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। ऑफ क्लास, हमने डिजाइन करना था मोड 6 काउंटर। मोड 6 काउंटर के केस में जो आउटपुट्स मिलती हैं वो 0 से लेके 5 तक मिलती हैं, तो सिंपली काउंटर ने इस सीक्वेंस को फॉलो करना था।
मोड सिक्स काउंटर के केस में जो सिक्स और सेवन स्टेट थी वो थी इनवैलिड। अब क्लास फॉर एग्जांपल काउंटर इज इन वर्किंग, काउंटर इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, डेट इज जीरो के बाद वन मिलेगा, टू मिलेगा, थ्री मिलेगा, फोर मिलेगा, फाइव मिलेगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। अब ड्यू टू एरर या ड्यू टू नॉइस काउंटर चला जाता इन वैलिड स्टेट में। इन वैलिड स्टेट कौन सी है, सिक्स या सेवन, या सिंपली सिक्स होती या फिर सेवन होती। फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करते उस टाइम पे कोई आउटपुट मिलनी थी, फिर नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करते इसी तरह से आउटपुट मिलनी थी। अब क्लास सेल्फ स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर काउंटर चला गया इनवैलिड में फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करते हैं यहां पर कोई भी एक आउटपुट वो डिजायरेबल सीक्वेंस की मिलती तो उस केस में अगेन काउंटर ने इस सीक्वेंस को फॉलो करना शुरू कर देना था। तो दिस इज अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर, अगर काउंटर इन वैलिड स्टेट में चला गया फिर जैसे ही हम नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करते अगर नेक्स्ट टाइम जो आउटपुट मिलती वो इस सीक्वेंस में कोई भी स्टेट मिलती तो अगेन काउंटर ने इसी सीक्वेंस को फिर फॉलो करना शुरू कर देना था। तो दिस इज अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। इसी तरह से देयर इज अनदर कंसेप्ट विच इज लॉकआउट। लॉकआउट में क्या होता है, अगर काउंटर एक बार इन वैलिड स्टेट में चला गया अब आप जितनी बार क्लॉक अप्लाई करो काउंटर लगातार इन वैलिड स्टेट्स में घूमता रहेगा, वो कभी भी डिजायरेबल सीक्वेंस में नहीं आएगा, तो डेट इज नोन एज लॉकआउट कंडीशन। नाउ आई विल चेक आइदर दिस काउंटर इज ए सेल्फ स्टार्टिंग और नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अब क्लास दिस इज ए सिक्स, दिस इज इन वैलिड स्टेट, तो इसको मैंने प्रेजेंट स्टेट लिख लिया है 110। दिस इज सिक्स, तो Q3, तो Q3 क्या होगा 1, उस केस में जो Q2 है वो होगा 1। इसी तरह से Q1 इज इक्वल टू 0, दिस इज प्रेजेंट स्टेट एंड दिस इज इन वैलिड स्टेट। प्रेजेंट स्टेट मेरे पास है, अब मैं प्रेजेंट इनपुट्स कैलकुलेट करूंगा। अब क्लास इसके लिए मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन की हेल्प लूंगा। जैसे इस केस में K3 क्या है, Q1, तो Q1 है 0, तो सिंपली K3 Q1 के इक्वल रहेगा तो K3 0 मिलेगा। अब क्लास J3 इज इक्वल टू Q2 Q1, Q2 1 है, Q2 0 है, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन होगा, J3 मिलेगा 0। इसी तरह से K3 इज इक्वल टू Q1, Q1 है 0 तो K3 मिलेगा 0। इसी तरह से J2 इज इक्वल टू Q3 बार एंड ऑपरेशन Q1, Q3 है 1, तो जैसे इसका बार लेंगे तो ये होगा 0, एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 0 मिलेगी, तो J2 भी 0। K2 इज इक्वल टू Q1, Q1 यहां पर 0 है तो K2 भी 0। इसी तरह से J1 और K1 में तो लगातार 1 अप्लाई करना है। अब क्लास दिस इज ए नेक्स्ट स्टेट विच वी हैव टू कैलकुलेट, Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस। अब जैसे ही हम क्लॉक अप्लाई करेंगे डेट इज दिस वन, अब क्या होगा, दिस इज ए ट्रूथ टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप, JK एंड आउटपुट Qn+1। अगर JK में 0-0 अप्लाई करते हैं तो उस केस में JK फ्लिप फ्लॉप एज ए मेमोरी ऑपरेट करता है, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। 0-1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलती है, 1-0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलती है, अगर 1-1 अप्लाई करते हैं तो टॉगलिंग होगी, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। अब पहले मैं Q3 प्लस कैलकुलेट करूंगा, जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे अब यहां पर हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। ये जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है इसकी प्रेजेंट स्टेट है Q3, डेट इज 1। J3 और K3 में 0-0 अप्लाई किया तो उस केस में क्या होगा, JK फ्लिप फ्लॉप एज ए मेमोरी ऑपरेट करेगा, तो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, तो प्रेजेंट स्टेट 1 है तो ये 1 है यही मेंटेन रहेगा, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, तो Q3 प्लस में 1 मिलेगा। इसी तरह से Q2 प्लस कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है 1। अब हम नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करेंगे, J2 K2 में जैसे 0-0 अप्लाई करेंगे अगेन JK फ्लिप फ्लॉप विल वर्क एज ए मेमोरी, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, अब यही 1 है, यही 1 मेंटेन रहेगा, Q2 प्लस इज इक्वल टू 1। इसी तरह से Q1 के लिए देखते हैं, Q1 की आउटपुट है 0, डेट इज दिस 1,
जैसे ही J1 और K1 में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे। तो अगेन क्लास उस केस में क्या होगा, टॉगलिंग, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, 1, दैट इज 1। अब क्लास ये जो नेक्स्ट स्टेट मिल रही है अगेन 1 1 1, दिस इज 7, दिस इज अगेन एज ए इनवैलिड स्टेट। ये जो सीक्वेंस है दिस इज ए वैलिड सीक्वेंस, अब ये जो 7 है अगेन दिस इज ए इनवैलिड स्टेट। अब फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक सभी फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे, अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट 1 1 1, दैट इज Q3 1, Q2 1, Q1 1। अब क्लास अगेन आप J3 K3, J2 K2 और J1 और K1 की वैल्यू इन इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट करो। बस आपको याद क्या रखना है, अब आपको Q3 1 लेना है, Q2 1 लेना है और Q1 1 लेना है। अगेन मैं कैलकुलेटेड वैल्यू लिख रहा हूँ, 1 1 0 1 1 1। अब ये जो स्टेट है दिस इज अगेन ए इनवैलिड स्टेट। अब क्लास प्रेजेंट स्टेट है 1, Q3 1 है, J3 K3 में जैसे लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, टॉगलिंग, 1 किस में चेंज हो जाएगा, 0 में, डेट इज Q3+ इज इक्वल टू 0। इसी तरह से Q2 1 है, डेट इज दिस 1। जैसे ही J2 K2 में 0 1 अप्लाई करेंगे आउटपुट क्या मिलेगी, 0। तो सिंपली ये 1 किस में चेंज होगा, 0 में। बाय डिफॉल्ट जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो Q1 Q2 और Q3 के अक्रॉस लेते हैं। इसी तरह से Q1 1 है, प्रेजेंट स्टेट 1 है। अब जैसे ही J1 और K1 में लॉजिक 1 अप्लाई होगा, J1 और K1 में हमेशा ही लॉजिक 1 अप्लाई होगा, अगेन टॉगलिंग होगी। टॉगलिंग में क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेट होता है वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलता है, प्रेजेंट स्टेट 1 तो नेक्स्ट स्टेट 0, तो सिंपली 0। अब क्लास अब ये जो नेक्स्ट स्टेट मिल रही है दिस इज अ वैलिड सीक्वेंस, यही 0 सीक्वेंस हमें मिल चुकी है। अब जैसे आप नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करोगे फिर 1 मिलेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो सिंपली वैलिड सीक्वेंस हमें मिलती रहेगी। तो सिंपली दिस काउंटर इज ए सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। अब क्लास ये जो काउंटर था दिस इज ए सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर में क्या हुआ, अगर एक बार काउंटर इन वैलिड स्टेट में चला गया फिर जैसे ही आप नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करते हैं अगेन काउंटर डिजायरेबल सीक्वेंस में चला जाएगा। जैसे इस केस में अगर काउंटर इन वैलिड स्टेट 6 में चला जाता, जो केस हमने यहां पर डिस्कस किया था, फिर जैसे ही क्लॉक अप्लाई करते फिर जो नई आउटपुट मिलनी थी नेक्स्ट स्टेट, अगेन दिस इज ए इनवैलिड। फिर जैसे ही अगेन नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करते, अब यहां पर जो आउटपुट मिलनी थी वो थी वैलिड आउटपुट। तो मैं क्या बोलता, अगर एक बार इन वैलिड स्टेट 6 में चला जाता तो आफ्टर 2 क्लॉक पल्स अगेन काउंटर डिजायरेबल सीक्वेंस में चला जाता। इसी तरह से अगर काउंटर इन वैलिड स्टेट 7 में चला जाता तो उस केस में केवल एक ही क्लॉक हमें यूज करनी थी और उस केस में काउंटर अगेन वैलिड या फिर डिजायरेबल सीक्वेंस में चला जाता। दिस इज ए स्टेट डायग्राम। इन द केस ऑफ मोड 6 काउंटर यू विल गेट आउटपुट फ्रॉम 0 to 5। अगर इन वैलिड स्टेट आपको 6 मिलती, डेट इज दिस वन, फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करते तो इन वैलिड स्टेट अगेन 7 मिलनी थी, फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करते तो उस केस में फिर वैलिड स्टेट 0 मिलनी थी, फिर उसके आगे 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से प्रोसेस चलना था। सिंपली अगर मैं यहां पर चेंज करता हूं तो कैसे होगा, 6 को कैसे लिखेंगे, 1 1 0, अगेन दिस इज इन वैलिड स्टेट। अगर इन वैलिड स्टेट मिलती फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करते अगेन इन वैलिड स्टेट मिलनी थी, 1 1 1, अगेन फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करते फिर उस केस में वैलिड स्टेट 0 0 0 मिलनी थी, फिर आगे प्रोसेस रिपीट होना था। दिस इज एग्जांपल ऑफ सेल्फ स्टार्टिंग। लॉकआउट के केस में क्या होना था, अगर एक बार काउंटर इन वैलिड स्टेट में चला जाता फिर आगे आप लगातार क्लॉक अप्लाई करते हमेशा इन वैलिड आउटपुट्स मिलनी थी, डेट इज काउंटर हमेशा इन वैलिड स्टेट में घूमते रहना था।